बीते 10 मई को पवाई थाने के ग्राम चांदनपुर में एक 10 वर्षीय बेटी का उसके ही सौतेले पिता द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जिस पर पवाई थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए मामला दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के निर्देशन एवं SDOP पवाई रक्षपाल सिंह यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी SP शुक्ला, SI अवधेश दुबे, SI अंजलि सिंह राजपूत, ASI HR उपाध्याय और ASI श्याम लाल पटेल, प्रधान आरक्षक जगदीश सिंह, बच्चू सिंह राहुल, महिला आरक्षक अनुराधा शिवचरण, राकेश भगेल दलबल के साथ गांव पहुंचकर घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। और उक्त आशय की जानकारी देते हुए पवई SDOP रक्षपाल सिंह यादव ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। ग्राम चांदनपुर से रिपोर्ट आई, 10 साल की बच्ची और उसकी माँ आई, उसने बताया कि उसके सौतेले पिता ने उसके साथ जो है बलात्कार किया है। तो इस बात पर जो है थाना प्रभारी और उनकी टीम को रिपोर्ट लिखने के बाद थाना प्रभारी और टीम को तुरंत ही सक्रिय किया गया, क्योंकि ऐसी संभावना थी कि वो जो सौतेला पिता है उसका जी। वो बाहर मजदूरी करने चला जाता है हरियाणा दिल्ली तरफ, तो उसको जल्दी से घेराबंदी पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, चारों तरफ घेराबंदी कराई और रात में उसको गिरफ्तार कर लिया है थाना प्रभारी ने। और लड़की का मेडिकल कराया गया है और लड़की जो है काफ़ी भयभीत है और चोटिल है और एक बहुत ही कुकृत किया है उसने, बहुत ही गंदा कार्य किया है। तो पुलिस ने जो है 10-12 घंटे के अंदर उसको घेर करके पकड़ लिया, उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस की सक्रियता पर थाना प्रभारी सहित जो जिस स्टाफ ने घेराबंदी करके पकड़ा है उनको उचित इनाम देने हेतु आश्वस्त किया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।